हेलो फ्रेंड्स, रत्नामी चाय के में आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चुकंदर का मिल्क शेक और रायता। बच्चे चुकंदर खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, तो आप बच्चों को चुकंदर इस तरह से देंगे तो बच्चे बहुत ही शौक से खाएंगे। आप जानते ही हैं कि चुकंदर कितना हेल्दी है और हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। मिल्क शेक और रायता में चुकंदर का टेस्ट आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। दोनों का साथ बहुत ही लाजवाब है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में बताएं कि मेरी यह रेसिपी आपको कैसी लगी। सबसे पहले हम चुकंदर का रायता बनाएंगे, तो उसके लिए यह मैंने आधा किलो दही लिया है, ये मैंने घर पे ही जमाया है, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दही को मैंने अच्छी तरह से पिलो लिया है। अब हम इसमें चुकंदर डालेंगे, तो ये मैंने दो मीडियम साइज़ के चुकंदर लिए हैं जिसे मैंने ग्रेटर से कद्दूकस कर लिया है। चुकंदर को बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, आप चुकंदर को डायरेक्ट कद्दूकस करें। तो इसे अब हम डाल देते हैं, तो अभी थोड़ा सा पहले आधा डालते हैं, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो हमने आधा चुकंदर बचा कर रखा था वो भी इसमें सभी डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है और खाने में भी ये उतना ही टेस्टी है। तो अब हम इसे थोड़ा सा चटपटा बनाएंगे, तो उसके लिए एक छोटा चम्मच इसमें काला नमक डालेंगे, आधा चम्मच सादा नमक, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे, तो उसके लिए मैंने पैन में दो बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है। चुकंदर के रायते में सरसों का तेल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जैसे ही तेल गर्म होगा इसमें आधा चम्मच राई डालेंगे, आधा चम्मच जीरा, दो बड़े चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 15 से 20 करी पत्ता डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 30 सेकेंड हम फ्राई कर लेंगे ताकि मिर्ची अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो देखिए मिर्ची अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और तड़के को हम रायते में डाल देंगे। इसे आपको गरम गरम तुरंत रायते में डालना है, इससे जो करी पत्ते का टेस्ट है रायते में बहुत अच्छा आएगा। तो आप इसे गरम गरम ही डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मैंने इसमें शक्कर नहीं डाली है, अगर आप डालना चाहते हैं तो अपने टेस्ट के अनुसार शक्कर इसमें डाल सकते हैं। तो ये तैयार हो गया है हमारा झटपट बनने वाला चुकंदर का रायता। अब नेक्स्ट बनाएंगे हम चुकंदर का मिल्क शेक। चुकंदर का मिल्क शेक बनाने के लिए ये मैंने मीडियम साइज़ का चुकंदर लिया है और इसका हम छिलका निकाल देंगे। चुकंदर को हम काट लेंगे, तो आप छोटे बड़े जैसे चाहें इसे चुकंदर को काट सकते हैं। तो मैं इसे इस तरह से गोल शेप में काट रही हूँ। चुकंदर को हम उबालेंगे, तो उसके लिए कुकर में हम चुकंदर डालेंगे और इसमें आधा कप के करीब पानी डाल देंगे ताकि चुकंदर अच्छी तरह से पक जाए। चुकंदर को हम 2 से 3 सीटी लेकर पका लेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से ये पक चुके हैं, इसे हम एक प्लेट में निकाल कर और ठंडा कर लेंगे। चुकंदर अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं, तो अब हम इसे ग्राइंडर में डालेंगे।
और इसमें चुकंदर का पानी डाल देंगे। तो ये मैं अभी थोड़ा सा ही डाल रही हूँ, अगर आवश्यकता लगेगी तो मैं इसमें थोड़ा पानी और डाल दूँगी। और अगर इसका पानी ख़त्म हो जाता है तो आप इसकी जगह सादा पानी भी डाल सकते हैं। और इसका हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, मैंने चुकंदर का एकदम बारीक पेस्ट बना लिया है, ये देखिए। अब हम मिल्क शेक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जार में एक गिलास ठंडा दूध लिया है। अगर आपका ठंडा दूध नहीं है तो आप इसमें बर्फ की क्यूब्स भी डाल सकते हैं। इसमें एक चम्मच चुकंदर का पेस्ट डालेंगे। फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डालेंगे और आपको जितना मीठा पसंद है आप उतनी इसमें शक्कर डालें। तो मैं इसमें एक चम्मच शक्कर डाल रही हूँ और इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा चुकंदर का ठंडा ठंडा मिल्क शेक बनकर तैयार हो गया है। आप चुकंदर मिल्क शेक की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि ये सबको बहुत पसंद आएगा। इसमें चुकंदर का टेस्ट बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और ये जो बचा हुआ चुकंदर का पेस्ट है, इसे आप फ्रीज में स्टोर करें, ये ख़राब नहीं होगा।